जनपद आगरा में बड़े पैमाने पर कुछ माफियों द्वारा गरीबों के सरकारी सस्ते राशन की कालाबाजारी की जा रही है। गैर जनपदों में राशन की कालाबाजारी करने वाले धड़ल्ले से अपने काम को प्रशासन की नाक के नीचे अंजाम दे रहे हैं। ये गरीबों के हक पर डाका डालते हुए निजी वाहनों से राशन बीच रास्ते में गायब करवा कर बाजार में खपा कर करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ये आरोप बिचपुरी निवासी समाज सेवी कुमार सेन चौधरी ने संजय प्लेस में प्रेस वार्ता कर लगाया। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी मुख्य का आरोपी खंडारी निवासी ओम प्रकाश गुप्ता है। इसके साथ ठेकेदार फरहा निवासी गौरव अग्रवाल, मलपुरा निवासी हरेंद्र उर्फ गोपाल, पीपल खेड़ा निवासी सुमित व अमित अग्रवाल, खेरागढ़ निवासी हरि ओम उर्फ झब्बू, मोहन लाल पवन कुमार रायभा, अचनेरा निवासी मनीष अग्रवाल, बजहेरा फतेहबाद निवासी शेरू, रामबाग निवासी कुणाल, बरारा निवासी लोकेश, संजू नैनू और सेक्टर 7 निवासी हरीश उर्फ हर्रो इसमें संलिप्त हैं। पूर्व में ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर प्राथमिकी थानों में दर्ज की जा चुकी है। ऐसे कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल और पीएमओ में भी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है, पर कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है। गोदाम चला रहे हैं सर, ठीक है ना, रोड पर खड़ी होकर गाड़ियां लोड करते हैं और इनकी कोई रोक टोक नहीं है। पूर्ति अधिकारी को भी अगर मौके पर अगर हम फोन करते हैं तो कोई नहीं पहुंच पाता है, तो वो लोग ऐसा है कि पुलिस से छूट के चले जाते हैं, ठीक है ना, कार्रवाई होती नहीं उनके खिलाफ। कहां पर ये राजा खेड़ा है, पीपल खेड़ा है, रायवा है, बहुत सारी जगह इनके गोदाम चल रहे हैं। अगर इनका मोबाइल खंगाला जाए ना तो इनके व्हाट्सएप पर देखो तुम, एक से दूसरा जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। क्या माफिया जुड़े पाएंगे कि या कोई अधिकारी भी मिली भगत है क्या? इसमें मिली भगत से ही काम चल रहा है सर। कौन अधिकारी? आपूर्ति अधिकारी वगैरह हैं, ये सब मिले हैं, जब ही तो नहीं पहुँच पाते मौके पर, ठीक है ना। कभी सूचना दी है? सूचना दी है, सूचना देने पर भी नहीं पहुँच पाते ये, इसीलिए तो उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं ये सर। आप कितने समय से ये कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक? मैं समाज से ही हूँ, मैं कम से कम 4 साल से इस काम समाज की सेवा कर रहा हूँ, और पिछली बार भी इनके खिलाफ FIR वगैरह हुई हैं, लेकिन ये क्या है कि मिली भी कहते हैं छूट के चले जाते हैं, इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आपके माध्यम से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कोई माफियों में जेल गए? हाँ, इसमें जेल जाने वालों के भी नाम है, एक सुमित है, पीपल खेड़ा, झब्बू है और राहुल है, गौरव है, ये बहुत सारे लोग हैं जो पहले जेल जा चुके हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये काम करना बंद नहीं कर रहे हैं, कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। इसकी उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत करी? अरे शिकायत की है मैंने, मुख्यमंत्री जी महोदय को भी की है, प्रधानमंत्री जी के पास भी की है, आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का चावल है, FCI का चावल है, ये वहाँ से 2 नंबर का काम चल रहा है, डीलर के पास नहीं पहुंच पा रहा है, ये बीच बीच खा रहे हैं लोग, बंदरवाड़ चल रहा है ये। DG महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।